हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक बार फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों स्वपन दोस्त तथा सीमन रिटेंशन के बारे में। दोस्तों ज्यादातर युवाओं के मेरे हेल्दी बाबा यूट्यूब चैनल पर कमेंट आए थे कि स्वपन दोस्त जो है वो क्यों होता है, कब होता है तथा इससे बचने के कोई उपाय हैं या नहीं। इन सारी चीजों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि दोस्तों एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया था जिसके लिए उन्होंने पूछा था कि क्या स्वपन दोस्त नाइटफॉल होता है, क्या उसको रोकने का कोई उपाय तथा क्या हम अगर लेफ्ट साइड पे अगर सोते हैं तो क्या हमारे लिए स्वपन दोस्त नहीं होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने इस चीज पर प्रैक्टिकल किया था, समथिंग एक महीने इस चीज पर प्रैक्टिकल करने के बाद मेरे लिए एक रिजल्ट बेनिफिट बहुत गजब का मिला था। जैसा कि मैंने देखा था कि एक महीने जब मैं लेफ्ट करवट से सोया था तब मेरे लिए नाइट फॉल की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत हद तक कम हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि 100% सॉल्व हो गई, 100% सॉल्व नहीं हुई थी। लेकिन कभी कभी होता है कि हम लेफ्ट करवट से सो रहे हैं फिर भी हमारे लिए नाइट फॉल की समस्या हो सकती है। ऐसा ही एक सवाल और पूछा था कि स्वपन दोष कितने टाइम पर होता है, कितने बजे होता है। दोस्तों ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है जिससे हम मैं आपके लिए क्लियर करके बता सकूं कि नाइट फॉल कितने समय होता है। दोस्तों ये मेरा प्रैक्टिकल है, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पता नहीं कब हो जाए। ये हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा माइंड के अंदर थॉट है, माइंड के अंदर ड्रीम है, तो ये जाहिर सी बात है कब हो जाए ये नहीं पता। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छा इसमें सॉल्यूशन जुड़ा हुआ है कि अगर हम ज़्यादातर देखा है हमने 80-90% 4-5 समथिंग 3-5 बजे के बीच में ज़्यादातर होता है। मैक्सिमम नाइटफॉल 3-5 बजे के बीच में होता है। इसीलिए हम अगर ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी लाइफस्टाइल को शुरू करते हैं, दिनचर्या को शुरू करते हैं, तो हमारे लिए नाइटफॉल की जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न और आया था, उस प्रश्न का भी जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। एक भाई ने कहा था स्वपन दोष किसे कहते हैं। हमारा स्वपन जो हमारा वीर्य संगलित होता है सपने में एक विजुलाइजेशन के माध्यम से, दोस्तों उसी को हम स्वपन दोष कहते हैं। फिर वहीं पर एक भाई का कमेंट आया था कि मेरे लिए ड्रीम में नहीं आता, मेरे लिए सपना भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी मेरे लिए नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। गलत सपना भी नहीं आया, स्वप्न भी नहीं आया, फिर भी हमारा वीर्य संगलित हो जाता है, वीर्य निकल जाता है। दोस्तों ऐसा जब होता है, अगर आपका वीर्य आपका श्रीमंत पतला है तो हो सकता है कि आपको ड्रीम नहीं आए, आपको स्वप्न नहीं आए, फिर भी नाइटफॉल हो जाए। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब हमारा सीमन पतला होता है, जब हमने अत्यधिक हस्त मैथुन किया होता है, जब हमारी बॉडी कुपोषण में होती है जिससे हमारी सीमन की जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत जिन्होंने बचपन से या बहुत कम एज में या फिर अनएजुकेटेड तरीके से कुछ गलत कार्य किए हैं, उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादातर सीमन पतले होने की दिक्कत रहती है। अगर आपका सीमन पतला है तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि सपने आए और सपने आने के बाद आपका वीर्य निकले। अगर आपका सीमन पतला है तो जाहिर सी बात है कि कभी भी निकल सकता है, इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने 2-3 क्वेश्चन के आंसर आपके साथ में शेयर किए। इस यूट्यूब चैनल पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा कंटेंट तथा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए देने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और दोस्तों अगर चैनल पहले से सब्सक्राइब किया है तो उसको लाइक करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।